एक बात तुम्हारी नहीं समझ में आ रही है कि वो सीता अपनी मर्जी से गई है। उस मर्जी का क्या कारण है? ऐसे ही खोल लाते तब भी जवाब हो जाता। एक बार मोते कह रहे हैं वो सीता नहीं। जीतू भैया थोड़ी सी शर्म दरवाजे की भी करनी पड़ती है। मोते बार बार कह रहे वो सीता नहीं और खुद क्या कह रहे? बस सीता ने राम की बात मानी नहीं। फिर कहते आ गई मां सीता। भैया जी सही कह रहा हूं? नगद नवाऊ कैमरा करिए जाते नवाऊ। सबरी रात किल्ला रहे भैया जी सीता नहीं। फिर कह रहे बस सीता ने राम की बात मानी नहीं। और वो तो ऐसे लग रही है जीतू भैया तुम्हारी आंखें में शर्म को पानी नहीं। अब देखिए एक बात चल रही है आधी रात वाली बात बजाओ। एक बात पे जोर दे रहे हैं कि लॉकडाउन रात को 12 बजे नहीं हुआ। शाम तक तो सब दुकानें खुल रही थी। रात को 12 बजे से ही अगला दिन लगा कल से लॉकडाउन माना जाएगा। काखन भयो भैया दिन कितने बजे बदलता है? आधी रात में ही बदलता है दिन। मतलब 12 बजे तक रहेगी 13 तारीख, 12 बजे के बाद 14 तारीख मान जाओ। ज्यादा उधर सर मना करेंगे हम घर पर की हो सिपा भैया कह रहे तुम पार कर दोगे तो हम भी पार कर देंगे और धुआं धार कर देंगे। अरे धुआंधार कर दोगे तो आरब पार कर देंगे और ये बाकी बचे हुए खोपड़ी के बाल उड़ जाएंगे, इतना लाचार कर देंगे। और जब तक प्यार से गा रहे बेटा गा रहे, नहीं तो तुम जैसों की तो एक मिनट में मिट्टी खुआर कर देंगे। मैं नहीं चाहता हूं इस तरह से बात हो। मेरा इश्क है तुम्ही से मेरा। अब देखो फिर सुनो। गुरु तोड़ के ललन ने के गुरु तोड़ के ललन ने। अब फिर आधी रात देखे गुरु तोड़ के ललन ने ये प्रण है कैसा पाला। तोड़ के ललन ने ये प्रण है कैसा पाला। और प्रधान जी उस द्रौपदी के पांचों पुत्रों को काट डाला। उस द्रौपदी के पांचों पुत्रों को काट डाला। काफिया को तुम दिखा रहे हो हमें देखो जब चली जिस समय कतारी चली जिस समय कतारी ही रात आधी आधी। तुम कह रहे हो लिख लेख बगारी, मैं कह रहा हूँ सुन लेख बगारी। क्या गलत कह रहा हूँ भाई? क्या कह रहा हूँ? तुम उसे सवाल बना रहे हो मैं उसे जवाब बना रहा हूँ।
गुरु द्रोण के ललन में कैसा ये प्रण है पाला, उस द्रौपदी के पांचों पुत्रों को काट डाला। चली जिस समय कटारी थी रात आधी आधी, ले लेख सुन अगारी है रात आधी आधी। एक बात और है भाई की, जवाब दूंगा। अरे पल पल न माने टिकू जिया टिकू जिया, इश्क का बंधन किसे है पिया। पल न माने टिकू जिया टिकू जिया, इश्क का बंधन किसे है। पल पल न माने टिंकू जिया, कह रहे थे औरत की जात। अरे औरत की बात जाती जानी नहीं, आदमी की बात इसने मानी। अब सुनो, जो आदमी की जो पत की न माने वो खानदानी नहीं। लाला का नंबर लगा रहो। एक जो पत की न माने खानदानी नहीं, खानदानी नहीं, उसकी आंखों में शर्म का पानी नहीं। उसकी आंखों में शर्म का पानी नहीं, उसकी आंखों में शर्म का पानी नहीं। करती धर्म और कर्म सब अकेली, अरे करती धर्म और कर्म सब अकेली। पति तो घर लग रहे और वो क्या कर रही है, आश्रम की बन गई चेली, आश्रम की बन गई चेली, आश्रम की बन गई चेली, आश्रम की बन गई चेली। अरे करती धर्म और कर्म सब अकेली, आश्रम की बन गई चेली, आश्रम की बन गई चेली, आश्रम की बन गई चेली, आश्रम की बन गई चेली। और सही औरत ने ऐसी ठान ठानी नहीं, कभी ठानी नहीं, और इनकी आंखों में शर्म वाला पानी नहीं। आंखों में शर्म वाला पानी नहीं, इनकी आंखों में शर्म वाला पानी नहीं, इनकी आंखों में शर्म वाला पानी नहीं। लाला अब आ जाओ ऊपर, थोड़ी सी बात मैं हूँ कहूंगो, मैं सोच रहा हूँ बढ़िया ही बात है जाए। अब एक बार ऊपर आ जाओ भैया पंचायती। हाँ जी, एक दोनों बहुत हंगामा काट रही है परशुराम, एक दोनों बहुत हंगामा काट रही है। हाय नी मेरी मोटो बजाओ। जबरदस्त जाने वाली थी और गई भी है, वो तो कोरोना खा गया तुमको। तेरा सूट करे सारे कलर बाबरी, तेरा सूट करे सारे कलर बाबरी, तेने सूट करे सारे कलर बाबरी, सारी छोरी तेरे आगेरी पलर बाबरी।
तेरा बे करे फरंट दोनों मारे से करंट तेरा बे करे फरंट दोनों मारे से करंट तेरा बे करे फरंट दोनों मारे से करंट मैंने दिल में बसा ली तेरी फोटो हाय नी मेरी हाय नी मेरी बच्चा बच्चा गा रहा है किसी उम्र के आदमी को नहीं याद होगी चाचा तेरा सूट कर सारे री कलर बाबरी तेरा सूट कर सारे री कलर बाबरी सारी छोरी तेरे आगे रे पलर बाबरी तेरा बैक रे फ्रंट दोनों मारे से करंट तेरा बैक रे फ्रंट दोनों मारे से करंट मेरे दिल में लगा ली तेरी फोटो हाय नी मेरी एक बात कहता हूँ जीतू भैया जहाँ कहीं भी हो सुने गाना होता है मर्यादा का बार बार मेरे रामीर भाई ये गाते हैं मेरे रामीर भाई वो गाते हैं कृपाए अब मेरे से मत कहलवा यूट्यूब लगा हुआ है एक रामीर की वजह से तुम 25-30 आदमी नो परिवार पन लो है नहीं तुम में कहा तभी एक लाइन लिखवेगी मत कहलवा मुझसे एक अकेले आदमी की वजह से तुम्हारा पूरा खानदान पल रहा है खानदान मतलब व्यक्तिगत तुम्हारे घर की बात नहीं कर रहा हूं जितने कहते गाओ के हम बटुआ मारे तुम सब बटुआ मारे कोई की कृपाते पल ले हो एक लाइन लिखने की तमीज नहीं है इसलिए कहता हूं दाने दाने तू हंस फिरे और कौआ मौज उड़ाए रहे हैं जे कौआ मौज उड़ाए रहे हैं जे कौआ मौज उड़ाए रहे हैं हाँ लाला कि दाने दाने तू हंस फिरे आज कौआ मौज उड़ाए रहे हैं और शेर बच्चा मत जान फिरे और गीदड़ शोर मचाए रहे घंटी बिल्ली के बांधेंगे चूहा पंचायत बनाए रहे घंटी रे घंटी बिल्ली के बांधेंगे चूहा पंचायत बनाए रहे हैं चूहा पंचायत बनाए रहे हैं जी चूहा पंचायत बना रहे हैं और तुम्हारे लिए लाल नहीं है जी तू भाई व्यक्तिगत मत लेना मैं तुमसे ऐसी बात नहीं कह सकता कर लो मसबरा आपस में कुत्ताऊ गंगा जी ताऊ गंगा जी नह रहे हैं कुत्ताऊ गंगा जी नह रहे हैं और जब इस तरह से गाने बजाने वाले मिलते तो एक ही लाइन कहता हूँ राजेंद्र पंडित जी हमारे 201 रुपए का आशीर्वाद है कहना है मसबरा आपस में कुत्ताऊ गंगा जी नहाए रहे हैं अब कैसो जमानो आए गए हो देखो जी गधाऊ पंजीरी अब कैसो जमानो आए गए हो जी गधाऊ पंजीरी खा रहे हैं भैया कोशिश करियो मैं चाहूंगा इस नंबर में तुम्हें ये धुन गाओ कौन सी वाली चेटा बोलो अपनी माते माँ बांधे मेरे सिल से लाए मैं दंगल लड़वे जाऊंगो लाऊंगो गुड़ को भेलाऊंगो गुड़ को भेला है पर एक बात और जब सुनो तुम खेले खेल लोड़ियन में तुम खेले खेल लोड़ियन में मर्द का झटका झेला है नहीं मर्द का झटका झेला है ना मर्द का झटका झेला
एक चोट पड़ गई ना तो भागोगे भागोगे जी काफी उठाए उठाए तुम सबुई गुरु और भागोगे काफी उठाए उठाए तुम सबुई गुरु और चेला। देख नए बच्चों की तुमने और इसमें है बोलने वाली बात। हाय नी मेरी हाय नी मेरी ये तो भैया अल्लाह करवाता नहीं हूँ ये अल्लाह करना उठाओ हाथ बजाओ ताली ये जागरण वालों का काम हुआ करता है। तालियों की बात नहीं होती है। देखो तेरा सूट कर सारे कलर बाबरी सारी छोड़ी तेरे आगे रे पलर बाबरी। अब मेरी बात सुने रावण तपस्या कर रहा है भगवान भोलेनाथ की। हाँ जी टप्पू भैया मैटर तो बहुत नगाया होगा लेकिन धुन और शब्दों का तालमेल देखें एक बार। रावण बाबा भोलेनाथ की तपस्या कर रहा है भोलेनाथ प्रसन्न हुए और हाजिर हुए बोल क्या चाहिए प्रभु मेरे साथ लंका चलो मैं तुम्हारी वहां पूजा करना चाहता हूँ। तो भोले बाबा ने कहा दे कि मैं तो नहीं जाऊंगा लेकिन भोले बाबा ने जो शिवलिंग की पूजा होती है एक शिवलिंग भोले बाबा ने रावण को दिया और कह दिया ले तू जा अपनी लंका में। अब देख तैने कही भोले बाबा चलो मेरे साथ में कही चलो है ना तैने कही भोले बाबा चलो मेरे साथ में। बात का मतलब गलत नहीं है मैंने नेंगी निकार दी तेरे हाथ में। शंकर जी के लिए पूजा होती है शिवलिंग की मंदिर के अंदर होता है वो शिवलिंग होता है इसलिए ब्लांड को समझे जाता। तैने कही भोले बाबा चलो मेरे साथ में मैंने लिंगी निकार दे दे तेरे हाथ में। छोड़ चिंता फिकर गम ते बाहर निकर छोड़ चिंता फिकर गम ते बाहर निकर तू अब तो राजी है जा। लाला मैं कब मैं देख के छोड़ चिंता फिकर गम के बाहर लेकर छोड़ चिंता फिकर गम से बाहर निकल तू अब तो राजी है जा ले तू जाए। शिवा भैया छोड़ चिंता फिकर गम से बाहर निकल छोड़ चिंता फिकर गम से बाहर निकल तू अब तो राजी है जा ले तू जाए। इस तरह का मेरा मन नहीं होता इस तरह से गाया जाए लेकिन एक आधे इंजेक्शन या बक्सा में ऐसा उड़ाकर पड़ता है। तैने कही भोले बाबा चलो मेरे साथ में मैंने लिंगी निकार दी तेरे हाथ में। छोड़ चिंता फिकर गम के बाहर निकल तू अब तो राजी है जा ले तू जाए ले जा ले तू जाए ले जा। ये ले जा रहा है इनका गीत कह रहा था भक्ति की तरफ ले जा रहा है। एक बात पे बहुत जोर दे रहे थे सुदामा के पैर धोने वाली पे उसमें बहुत बड़ा रहस्य जीतू भाई। कृष्ण और सुदामा की मित्रता थी
लेकिन सुदामा पे जो गरीबी थी असल मायने में वो कन्हैया के हिस्से की थी। नोट करो, वो कन्हैया के हिस्से की थी जो चना गुरु माता ने खाने के लिए दिए थे। असल में उन चनों के साथ दरिद्रता जुड़ी हुई थी। जो उन चनों को खाता वो दरिद्र होना ही होना था। इसलिए सुदामा ने कृष्ण को वो चने न देकर खुद खाए थे। कोई बहुत बड़ा ऐसा ना करो कृष्ण ने पैर धोए के। ठीक है, अब देखिए मेरी तरफ से एक बात फिर थोड़ी सी अलग तरह की। टंबू भैया धुन बजाओ, झूठ बोले कौआ काटे। गाया असली भक्ति की और नकली भक्ति की पहचान कहां से आ रही है? देखो प्रधान जी, गीत की तरफ ध्यान दें और आप सब लोग भी ध्यान दें। आप चाहे तो चटकनी बात एक फिर सुनाऊंगा, लेकिन बढ़िया ही बात। अरे झूठ चली जाऊंगी तुम देखते। ये तो भैया ये भक्ति करवे भाई ना कि मैं क्या कह रहा हूं। देखो इधर से, आसाराम जैसे हैं तो उनके ऊपर लिख बे के हम जैसे हैं। लिखते क्या है देखो कि तू मायके चली जाएगी मैं डंडा लेके आऊंगा। डंडा रोकना ऐसे आसाराम जैसे भक्तों के लिए कहना है। अरे दुनियाओं के जन्म में थूके, अरे दुनियाओं के जन्म में थूके। सिपा भैया, अरे दुनियाओं के तेरे जन्म में थूके और क्यों ऐसे कर्म करो। अरे दुनियाओं के जन्म में थूके क्यों ऐसे कर्म करो। रानी ऐसे भक्तों से मेरा कहना है, अरे दुनियाओं के जन्म में थूके क्यों ऐसे कर्म करो। और देखो सिपा भैया, अरे बेशरम लोगों, अरे बेशरम लोगों कुछ आंखों में शर्म करो। अरे बेशरम लोगों कुछ आंखों में शर्म करो। अरे बेशरम लोगों कुछ आंखों में शर्म करो। अब देखें टंबू भैया, कभी गोवर्धन कभी वृंदावन बेटा करवाए रहे हो भंडारे। बेटा करवाए रहे हो भंडारे। बेटा करवाए रहे हो भंडारे। अरे कभी गोवर्धन कभी वृंदावन बेटा करवाए रहे हो भंडारे। बाप झोपड़ी में भूखे,
भी बात करता हूँ मैं परशुराम भैया। कभी गोवर्धन कभी वृंदावन और बेटा करवाए रहे हो भंडारे, माँ बाप झोपड़ी में भूखे बैठे मुकद्दर के मारे। ऐसे देव तुम्हें तार न पामे, माँ बाप भूखे बैठे और बेटा को भंडारो तर लो गोवर्धन। अरे ऐसे देव तुम्हें तार न पामे, चाहे कितने उधर्म करो, अरे बेशरम लोग कुछ आंखों में शर्म करो, अरे बेशरम लोग कुछ आंखों में शर्म करो, अरे बेशरम लोग कुछ आंखों में शर्म करो। ना दया धर्म ना हया शर्म, ना हया शर्म, अपनी मस्ती में घूम रहे, अपनी मस्ती में घूम रहे, अपनी मस्ती में घूम रहे। टप्पू भैया लाइन देखो, माँ बाप को खांसी की दवा नहीं, खुद पौआ पी के झूम रहे, खुद पौआ पी के झूम रहे, रे कुछ पौआ पी के झूम रहे। मैं तो यही कहूंगा, अरे मत कठोर माँ बाप से बोलो, अरे मत कठोर माँ बाप से बोलो, कुछ रुख को नरम करो, मत कठोर माँ बाप से बोलो, कुछ रुख को नरम करो। और अब तो सिद्धा भैया इतने कहेंगे, अरे बेशरम लोगो कुछ लोगों की शर्म करो, अरे बेशरम लोगो कुछ आंखों में शर्म करो, अरे बेशरम लोगो कुछ लोगों की शर्म करो। बीबी बच्चों में फंसे रहे, बिल्कुल याद रहे, माँ बाप न बिल्कुल याद रहे, रे माँ बाप न बिल्कुल याद रहे। और प्रधान जी देखो कड़वी सच्चाई, और जीते जी तो पानी न दिया, जीते जी तो पानी न दिया, मुर्दे का दाल सराद रहे, जी तो पानी न दिया, मुर्दे का डाल सराद दिए, के मुर्दे का डाल सराद रहे, रे मुर्दे का डाल सराद रहे। माँ बाप मरे खाए रूखी सूखी, जो माँ बाप भूखे मर गए रूखी सूखी खा के, और आज उनको सराद हो तो मामलों का आयरो है। माँ बाप मरे खाए रूखी सूखी, और पंडित जी के बहाने थे, अरे माँ बाप मरे खाए रूखी सूखी, पंडित जी को पूरी गरम करो, अरे बेशरम लोगों को आंखों में शर्म करो, अरे बेशरम लोगों को आंखों में शर्म करो, अरे बेशरम बाप का ममता भरा हुआ, माँ बाप का ममता भरा हुआ, यदि सर पे होगा हाथ नहीं, सर पे होगा हाथ नहीं, यदि सर पे होगा हाथ
भैया मिलान। अरे पन पन बारी पन मन घूमो, अरे पनवर धारी बन बन घूमो। बेटा ध्यान से समझे, ब्याज जी की छाप है जामे। अरे क्यों बनवारी बन बन घूमो, करम कुछ पावन परम करो। क्यों बनवारी बन बन भटको, करम कुछ पावन परम करो। और सिपा भैया ऐसे लोगों से कहना है, अरे बेशरम लोगों कुछ आंखों में शर्म करो। अरे बेशरम लोगों कुछ आंखों में शर्म करो। अरे बेशरम लोगों कुछ आंखों में शर्म करो। अरे बेशरम लोगों कुछ आंखों में शर्म। गाती है कोयलिया जब गाती है, पायलिया छनकाती है, यमुना के धारे ने छुआ। कैसे बताऊं क्या हुआ। अब जीतू भैया जवाब है रे ना, पब्लिक ना है, इसलिए मेरे गीत पे ध्यान दो, मैं तुम्हारे गीत पे ध्यान दूंगा। कहना नाथे सतयुग द्वापुर, नाथे सतयुग द्वापुर और त्रेता में, नाथे सतयुग द्वापुर त्रेता में। लाला भूपेंद्र लैंड, नाथे सतयुग द्वापुर और त्रेता में, जो गुण आज मिलते, जो गुण आज मिलते एक नेता में, जो गुण आज मिलते एक नेता में। अरे बेच चुके नेता ईमान, इंसान से बने शैतान। बेच चुके नेता ईमान, इंसानों से बने शैतान। चाचा अब मेरी तरफ देखो, बेच चुके नेता ईमान, इंसान से बने शैतान। करते क्या है प्रतिबंध सांसों, प्रतिबंध सांसों पर करे राजनीति लाशों पर। बेच चुके नेता ईमान, इंसान से बने शैतान। प्रतिबंध लाशों पर करे राजनीति लाशों पर करे, हो लाशों पर करे, हो राजनीति लाशों पर करे। सोनिया वाले हो, गैंग रेप मिल जाए तो, गैंग रेप मिल जाए तो भाग्य इनका जागा है। गैंग रेप मिल जाए तो भाग्य इनका जागा है। गैंग रेप मिल जाए तो भाग्य इनका जागा है। तंबू भैया कितने परिवार तबाह हो गए, एक परिवार की बेटी या बीवी खत्म हो गई और दो चार परिवारों के बच्चे उसमें फंस गए।
कितने परिवार तबाह हैं, लेकिन अगर गैंग रेप का केस नेताजी को मिल गया तो परिणाम क्या है? गैंग रेप मिल जाए तो भाग्य इनका जागा है, और यदि उसमें मर जाए पीड़िता, उसमें मर जाए पीड़िता तो सोने पे सुहागा है, उसमें मर जाए पीड़िता सोने में सुहागा है, उसमें मर जाए पीड़िता सोने में सुहागा है। जब ऐसा होगा तो ये करेंगे क्या? इधर से होगी हमदर्दी, इधर से होगी हमदर्दी, उधर से हो गुंडागर्दी, इधर से होगी हमदर्दी, उधर से हो गुंडागर्दी। ना रोक बदमाशों, भैया ना रोक बदमाशों पर करे राजनीति, लाशों पर करे बदमाशों पर करे राजनीति, लाशों पर करे राजनीति, लाशों पर करे। कर्म क्या करते हैं चाचा? सुनने सुनाने वाली बात सुना रहा हूँ, यहाँ अटका फटका वाली बात पे जयकारे नवाए बिताए गए, इसलिए बढ़िया बात सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे कर देते सौदा पल में, जीतू भैया कर देते सौदा पल में गरीबों की जान का, कर देते सौदा पल में गरीबों की जान का, करते थे सौदा पल में गरीबों की जान का। सिपा भैया कब कर देते सौदा पल में गरीबों की जान का? कब कर देते? झगड़ा मिले यदि इनको हिंदू मुसलमान का, झगड़ा मिले इनको हिंदू मुसलमान का, झगड़ा मिले अब इनको हिंदू मुसलमान का। इनका रूप क्या होगा चाचा जी? सोनिया वाले हो, आधे कृष्ण भक्त गोपी, आधे तो सनातन धर्म के पक्के कट्टर प्रतिद्वंदी, आधे कृष्ण भक्त गोपी और आधे लगा लेंगे टोपी, आधे कृष्ण भक्त गोपी आधे लगा लेंगे टोपी, आधे कृष्ण भक्त गोपी आधे लगा लेंगे टोपी। और ये माहौल बनाने के बाद जुल्म खास, जुल्म खास, जुल्म खास, खासों पर करे राजनीति, लाशों पर करे ओ राजनीति, लाशों पर करे हो राजनीति, लाशों पर करे। ना सतयुग द्वापर और त्रेता में जो गुण आज मिलते एक नेता में, बेचुके नेता ईमान इंसान से बने शैतान, प्रतिबंध सांसों पर करे राजनीति, लाशों पर करे। चाचा एक जड़ की बात, मेहनती महान को जब देश के किसान को अब कैसे चुके कर्जा कोई राह नहीं सूझती, कैसे चुके कर्जा कोई राह नहीं सूझती, कैसे चुके कर्जा कोई राह नहीं सूझती। ड्राइवर साहब गौर करने वाली बात, अरे मेहनती महान को जब देश के किसान को अब कैसे चुके कर्जा कोई राह नहीं सूझती। ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसे कल के बाद
आप डीके लाइव पॉइंट अजियापुर वालों की तरफ से इसे यूट्यूब पर सुनेंगे कल या परसों से। दोबारा से जिनकी देखने की इच्छा हो वो डीके लाइव पॉइंट सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। कहना अबू भैया अरे मेहनती महान को जा देश के किसान को अब कैसे चुके कर्जा कोई राह नहीं सूझती। कैसे चुके कर्जा कोई राह नहीं सूझती। कैसे चुके कर्जा कोई राह नहीं सूझती। आज महंगाई में खाद और दवाई किसानों की जिंदगी गरीबी से जूझती। किसानों की जिंदगी गरीबी से जूझती। किसानों की जिंदगी गरीबी से जूझती। अरे दिल में रहती इच्छा बच्चे पाए अच्छी शिक्षा। चाचा एक विशेष बात बताऊं। एक अध्यापक विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक मिलिट्री का कर्नल आया, बोले बोला मुझे इनमें से एक आदमी एक बच्चा मिलिट्री के लिए चाहिए। उनने कहा चारों एक से एक परफेक्ट है, जिसको चाहो ले जाओ। उनने कहा पहले मुझे इनसे बात कर लेने दो। बोले नंबर सबके अच्छे, फिटनेस सबकी सही है, फिजिकल सबका ठीक है। उन्होंने कहा बेटा पर्चे दो। उन्होंने कहा सब मेरे इतने नंबर हैं, ऐसे ऐसे है। बोले बेटा पिताजी क्या करते हैं? बोले पिताजी साहब नेता हैं, बन के बैठ गए। दूसरे बच्चे को खड़ा किया, बोले पिताजी क्या करते हैं? बोले पिताजी साहब व्यापार करते हैं। तीसरे बच्चे से पूछा, उन्होंने कहा पिताजी क्या करते हैं? बोले साहब पिताजी बैंक में मैनेजर हैं। बन के तीनों बैठ जाओ। चौथे वाले से जीतू भैया बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, काना मुंसी मत करो। चौथे वाले से पूछा, बन के बेटा नंबर इनकी बराबर है? बोले हाँ जी। बोले फिजिकल ठीक है? बोले ठीक है साहब, चेक कर लो। बोले पिताजी क्या करते हैं? बोले साहब खेती करते हैं। खेती करते हैं? उन्होंने कहा मां साहब इस बच्चे को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मां साहब ने कहा तुम्हें चारों बच्चों में यही क्यों पसंद आया? तो मां साहब कह रहे हैं मुझे इसको सरहद पे भेजना है। नंबू भैया खोज के निकाली हुई बात है, ऐसा नहीं है कि किसी के गाने की नकल कर दी। जीतू भैया ने कह दी कि हम हंस और कंस पहले गा चुके हैं, तो मैंने बाद में गीत तैयार करे। प्यारे गीत ऐसा है एक लाइन कोई माई का लाल लिख नहीं पाया। और एक दो ही आदमी ऐसा होगा रसियाबाजी के अंदर जिसने इस गीत को नहीं गाया। चैलेंज के साथ कहता हूँ, घनश्याम तेरी दुनिया फिर से कंसों के हवाले हो गई है। और मुझे इस बात का भी मलाल नहीं है, गीत को गाओ छाप काट के भी गाओ मुझे मंजूर है, लेकिन गीत का जो मतलब है उसे गलत करके मत गाओ। ये बात मैंने मथुरा से भी कही थी। अब उस बात पे आए टप्पू भैया, उन्होंने कहा मां साहब ने कहा तुमने इसी बच्चे को क्यों चुना, बाकी तीन बच्चे मेरे रिजेक्ट क्यों किए? तो कहने लगे मुझे बच्चा सरहद पे भेजना है। और सरहद पे अगर मैं कि बेटा भेजूं व्यापारी का, बेटा भेजूं मैनेजर का, तो एसी में कुर्सी धर लेगा। जीतू भैया कि बेटा भेजूं मैनेजर का, तो एसी में कुर्सी धर लेगा। और नेताजी का बेटा भेजूं तो रिश्वत से जेबे, नेताजी का बेटा भेजूं रिश्वत से जेबे भर लेगा। जो भेजा बेटा व्यापारी का, तो सरहद का ही सौदा कर लेगा। सरहद का सौदा कर लेगा। सरहद का ही सौदा कर लेगा। जो बेटा भेजू व्यापारी का बेटा रे में कमी गिना रहे कर्नल साहब। बेटा भेजू मैनेजर का, तो एसी में कुर्सी धर लेगा। एसी में कुर्सी धर लेगा। एसी में कुर्सी धर लेगा। बेटा भेजू
बेटा भेजू, बेटा भेजू नेताजी का तो रिश्वत से जेबें भर लेगा, कि बेटा भेजू व्यापारी का तो सरहद का ही सौदा कर लेगा, कि सरहद का सौदा कर लेगा, सरहद का सौदा कर लेगा। और इस पर मुझे फक्र है, बेटा भेजूंगा किसान का ये मारेगा या, बेटा भेजूंगा किसान का ये मारेगा या मर लेगा। ये भाई की तरफ से पुरस्कार है, कहना है बेटा भेजूंगा किसान का ये मारेगा या। कर्मों का फल देखो, अरे मेहनती महान को जा दे सके किसान को कैसे चुके कर्जा, कोई राह नहीं सूझती। और आज महंगाई में खाद और दवाई में किसानों की जिंदगी गरीबी से जूझती। दिल में रहती इच्छा बच्चे पाए अच्छी शिक्षा, पर किसानों पे बच्चों की फीस नहीं पूजती, किसानों पे बच्चों की फीस नहीं पूजती, फीस नहीं पूजती जी, फीस नहीं पूजती। और अंत में मेरा कहना है, चुनाव के टाइम पे कुछ और बातें और बाद में कुछ और बातें। अरे दिल में रहती इच्छा बच्चे पाए अच्छी शिक्षा, पर किसानों पे बच्चों की फीस नहीं पूजती, किसानों पे बच्चों की फीस नहीं पूजती, किसानों पे बच्चों की फीस नहीं पूजती। और भूली सब करार मेरे देश की सरकार, देखो आज अन्नदाता की बात नहीं भूलती, आज अन्नदाता की बात। गीत पाए मेरे में, बोलते नहीं है बिल्कुल नेताजी, बोलते नहीं है बिल्कुल फसलों के रेट पे, बोलते नहीं है बिल्कुल फसलों के रेट पे, बोलते नहीं है बिल्कुल फसलों के रेट पे। अरे टप्पू भैया, बोलते नहीं है बिल्कुल फसलों के रेट पे, लात मारे मजदूरों और किसानों के, लात मारे मजदूरों और किसानों के पेट पे, लात मारे मजदूरों और किसानों के पेट पे। कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आता, दुखी हो गया अन्नदाता, कुछ भी समझ नहीं आता, दुखी हो गया अन्नदाता। केवल वोट के लिए चाहिए होता है ना किसान और मजदूर आदमी, जब ये कुछ लायक हो जाते हैं तो कृपा अपने दासों पर करें, राजनीति दासों पर करें, ओ राजनीति दासों पर करें, हो राजनीति दासों पर करें, राजनीति दासों पर करें। जीतू भैया, आप गा रहे हो, अखाड़ा अलग चला रहे हो, बहुत लोग चला रहे हैं, लेकिन चलो आपका लिंक है रामबीर से, आप उनका लिखा हुआ गाते हो, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं। कोई भी अखाड़े वाला किसी का भी लिखा हुआ गाता है उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं। मेरे सामने गा रहा है, मुझे जवाब करना है, मान लो दंगल उसी से हो रहा तब भी तो जवाब करना है, इसलिए इस चीज से मुझे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्यारे जब इल्जाम लगा देते हैं ना लोग, कैसा जी गीत तो फलाने को है, फलाने की एक लाइन नहीं गाई जाती किसी की, इस अखाड़े में किसी फलाने की एक लाइन नहीं गाई जाती, टूटी फूटी उल्टी सीधी जैसी होगी खुद की गाई जाती है। एक शेर गाता हूं गुरु विजेंद्र शर्मा की, केवल और केवल एक शेर,
कि ये धर्म चोरी हो गया और ईमान चोरी हो गया। क्या ये धर्म चोरी हो गया? एक कह के बाद बात कह के गाता जी तू भैया, ये धर्म चोरी हो गया, ईमान चोरी हो गया। अरे लुट गई इंसानियत, इंसान चोरी हो गया। कोई कल सुना एक सेठ का और सामान चोरी हो गया। क्या कोई कल सुना एक साथ का के सामान चोरी हो गया? और ये सामान चोरी हो गया और आज मंदिर से मेरा, और ये भगवान चोरी हो गया। ऐसी लाइन सुनने के बाद ही तो ऐसा गीत लिखने को मन करता है। नाथ सत्ययुग द्वापर और त्रेता में ये गुण ही नहीं थे। अब इस तरह से जवाब मत करना इसका कि सत्ययुग द्वापर में नेता कहां थे, मैं गुणों की बात कर रहा हूं। नाथ सत्ययुग द्वापर और त्रेता में जो गुण आज मिलते एक नेता में, बेच चुके नेता ईमान, इंसान से बने शैतान। प्रतिबंध सांसों पर करे राजनीति घातों पर करे, प्रतिबंध सांसों पर करे राजनीति लाशों पर करे, प्रतिबंध सांसों पर करे राजनीति लाशों पर करे। देखिए उधर से सारा हो रहा है। जी तो भैया मैं अपने गीत को महामंत्र के साथ विराम दे रहा हूँ, आप अपना जो भी है गाना चाहते हैं देख ले। कहना है भैया परशुराम जी कीर्तन के माध्यम से कहना है। अरे